हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रॉकिंग गुरु। आज हम सॉलिड स्टेट में कैलकुलेशन ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे पैकिंग एफिशिएंसी होती क्या है। तो पैकिंग एफिशिएंसी किसी भी सॉलिड की स्ट्रक्चर की वो एफिशिएंसी होती है, वो अरेंजमेंट होता है एटम्स का, जिसके अकॉर्डिंग उनके अंदर के जो वॉइड्स है उनका स्पेस कम रहे, यानी फ्री स्पेस कम रहे, और जितना फ्री स्पेस कम रहेगा उतनी पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा रहेगी। तो इसी के साथ पैकिंग एफिशिएंसी का हमारे पास एक फॉर्मूला है, जो है वॉल्यूम ऑफ टोटल लैटिस पॉइंट, यानी टोटल लैटिस पॉइंट कितने हैं हमारे उनका वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यानी अगर आपके पास कोई भी एक यूनिट सेल है तो उस यूनिट सेल में जितने भी आपके लैटिस पॉइंट है, जो कि मेनली कॉर्नर्स पे, फेस पे और बॉडी सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, तो उनका टोटल वॉल्यूम कितना होगा वो वॉल्यूम हमें देखना है, और जो टोटल हमारी यूनिट सेल है इसका वॉल्यूम कितना होगा उसका रेशियो जो होगा वो हमारा बताएगा पैकिंग एफिशिएंसी, कि किसी भी हमारे सॉलिड की पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ FCC, यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी की हम बात करते हैं। तो इसकी बात करने से पहले हम इसका एक डायग्राम बनाते हैं, जिससे हम इसको पहले अच्छे से समझते हैं। तो यहां पर एक यूनिट सेल का डायग्राम बना रहा हूं, जहां पर हमने बात की है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल की, है ना, यानी जहां पर एटम्स कॉर्नर्स के साथ साथ फेस पर भी प्रेजेंट होंगे, यह बात आपको याद रखनी है। तो कॉर्नर्स पर एटम प्रेजेंट है, मैं ज्यादा कॉर्नर्स पे कोशिश कर रहा हूं कि ना रखूं, नहीं तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगी, और कोई कारण नहीं है, है ना। और फेस पर भी ज्यादा फेस पे रखूंगा कंफ्यूजन होगी, इसलिए एक फेस यहां पर रख दे रहा हूं बस, जिससे आप कंफ्यूज ना हो, लेकिन सारे फेसों पर प्रेजेंट होता है। अब हम एक फेस के अकॉर्डिंग लेके चलते हैं, इस एटम का हम नाम रखते हैं ए, इसका नाम रखते हैं बी, और इस एटम का नाम रख देते हैं सी। यानी ये तीन हमारे पॉइंट्स है एटम्स का, क्या है ये तीन पॉइंट्स के नाम है, तीन कॉर्नर्स के नाम है। आप एक बात जानते हैं, जो डिस्टेंस होगा हमारा एज लेंथ वो होगी हमारी ए, ठीक है, और जो हमारे स्फेयर्स है, जो हमारे एटम्स है, इनका रेडियस होगा स्मॉल आर। तो इसी स्ट्रक्चर को मैं दोबारा से खाली एटम्स की फॉर्म में बना रहा हूं। तो एक ये रहा एटम, कायदे में हमारी एटम क्या है, आपस में जुड़े हुए ही होते हैं, है ना, आप ये बात जानते हैं कि एटम्स क्या है, हमारे कायदे में आपस में जुड़े हुए हैं। तो मैं इनको इसी तरह बना रहा हूं कि आपस में जुड़े हुए आपको लगे, जहां पर ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है सी, और ये पॉइंट है बी, ठीक है, यानी ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। मेन जो ये हमारे पॉइंट्स है, ये मेन यहां पर जहां पर भी मीट हो रहे हैं उनको हम स्फीयर का सेंटर मान रहे हैं, याद रखिए, और सेंटर का रेडियस कितना है स्फीयर का, आर, एज यू नो दैट आर ही सेंटर का रेडियस है, ठीक है, सेंटर से स्फीयर का रेडियस, तो मैं इसको भी आर मान सकता हूं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, है ना, कि इतना पोर्शन मेरा आर है। अब सबसे पहले मेरे को इसको सॉल्व करने के लिए आर की रिलेशन निकालनी पड़ेगी एज लेंथ से, तभी मैं जाके टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकाल पाऊंगा, क्योंकि अगर मेरे पास एज लेंथ नहीं होगी तो कोई भी यूनिट सेल है, जरा देखिए ये क्यूबिक है, तो क्यूबिक यूनिट सेल का फॉर्मूला क्या होगा, ए क्यूब, तो ए क्या है एज लेंथ, तो मेरे पास एज लेंथ तो है नहीं, और यहां पर मेरे को किसका फॉर्मूला वो निकालना है, वॉल्यूम लैटिस पॉइंट का, लैटिस पॉइंट का शेप कैसा है, स्फेरिकल है, तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा 4/3 πr³, यानी रेडियस और एज लेंथ के बीच का कोई रिलेशन मेरे को निकालना पड़ेगा, तो हम उसी रिलेशन को निकाल रहे हैं पहले। तो उस रिलेशन के अकॉर्डिंग जरा ध्यान से देखिए, क्या हम यहाँ पे पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं, यानी अगर हम बोले AC का स्क्वायर, तो AC का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब जरा ध्यान से देखिए, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB, आप जानते हैं AB की वैल्यू क्या है, A है,
तो ए का स्क्वायर प्लस बी सी की वैल्यू भी कितनी है, ए है, क्योंकि ये भी क्या है, एज लेंथ ही तो है, तो ए स्क्वायर। तो हमारा ए सी स्क्वायर क्या हुआ, 2 a² के इक्वल हो गया, और ए सी हमारा इक्वल होगा किसके, √2a के। ठीक है, ये हमारी एक रिलेशन आ गई है। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं ए सी की बात करूं तो कायदे में जो मेरा ए सी है वो किसके इक्वल है, ध्यान से देखिए, यहां से यहां तक का रेडियस r, यहां से यहां तक का रेडियस r, यहां से यहां तक का रेडियस r, और यहां से यहां तक का रेडियस r, यानी कितने रेडियस आए, 1 2 3 4, यानी हमारा AC जो है वो 4r के इक्वल है ना, इज दैट क्लियर। तो AC की वैल्यू हम लिख रहे हैं यहां पर 4r, तो 4r किसके इक्वल है, √2a के। तो ए की रिलेशन क्या हो जाएगी, 4r/√2। तो यहां से ए में यानी एज लेंथ में और रेडियस में एक रिलेशन आई, a = 4r/√2। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आपको याद रखनी है। आप जब आपके पास ए की रियल वैल्यू आ गई है, तो अब आप ए की वैल्यू आपको पता है, आर की वैल्यू सिंपल आर ही रख देंगे हम, और इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो जरा ध्यान से देखिए, मैं इसको रब कर रहा हूं अब इस पोर्शन को, और ए की वैल्यू साइड में लिख रहे हैं, a = 4r/√2। अब अगर मैं पैकिंग एफिशिएंसी, जिसको मैं ईटा से डिनोट कर रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी से भी डिनोट करिए, मैं ईटा से डिनोट कर रहा हूं, तो मेरा पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला होगा वॉल्यूम ऑफ टोटल लैटिस पॉइंट। टोटल लैटिस पॉइंट कितने होते हैं एफसीसी में, 4 * वॉल्यूम ऑफ वन लैटिस पॉइंट, 4/3 πr³ अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या होता है, a³। ठीक है, और a³ की वैल्यू कितनी है हमारी, जरा अगर मैं इसको यहां पुट करूं तो 16/3 πr³ अपॉन 4 4 16 अपॉन 4r/√2 का होल क्यूब। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा √2π/6 आंसर, जिसको आगे सॉल्व करने पर आएगा आपका 0.74। यानी अगर मैं परसेंटेज में पैकिंग एफिशिएंसी की बात करूं तो हमारे एफसीसी की पैकिंग एफिशिएंसी होगी 74%। ठीक है, यानी आपने इसको सॉल्व आउट किया, अब ये बहुत इजी है, कैलकुलेशंस है, आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा √2π/6, जिसको आगे सॉल्व आउट करने पे 0.74 आएगा, यानी आपकी पैकिंग एफिशिएंसी होगी 74%, किसकी, एफसीसी की। और अगर अब हम बात करें पैकिंग एफिशिएंसी इन बीसीसी, यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में, तो बीसीसी में आप जानते हैं कि हमारे लैटिस पॉइंट प्रेजेंट होंगे कॉर्नर्स पे, हर कॉर्नर को डिनोट नहीं कर रहा हूं, नहीं तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा स्ट्रक्चर, और एक एटम प्रेजेंट होगा कहां पर, बॉडी पर। ठीक है, तो जरा देखिए, सबसे पहले तो हमें जो डिफरेंट एटम है उसी के साथ लिंक बनानी होती है, तो यहाँ पे बॉडी सेंटर को कवर करके एक AD लिंक बनी है, और इसी के बेसिस पे मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल बना रहा हूं। तो जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक ट्रायंगल ड्रॉ हो रहा है, ACD या ADC। ठीक है, अब वापस से मैं AD और C के ट्रायंगल को दोबारा से बना रहा हूं यहां पर। ये हमारा A है जो जुड़ा हुआ है, ये D, ये सॉरी ये बॉडी सेंटर, ये D। ठीक है, ये हमारा A, ये हमारा D, और ये यहां पे जुड़ा हुआ है C पॉइंट से। ठीक है, अब सबसे पहले हमें रिलेशन निकालनी पड़ेगी, किसके बीच में, AD की रिलेशन निकालनी पड़ेगी। तो AD के साथ यहाँ पे पाइथागोरस अप्लाई हो रही है, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लग रही है, जिसमें AD हाइपोटेन्यूज है, BC बेस है, और C और A आपका परपेंडिकुलर है। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको AC की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने AC की वैल्यू फाइंड की थी, और जो AC की वैल्यू थी वो AC² = क्या था, AC² = AB² + BC² अगर इसको B मान रहे हैं तो वो था
ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, जिसको सॉल्व करने पे ए सी की वैल्यू आई थी रूट टू ए। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं एडी के बारे में। तो फिर से पाइथागोरस अप्लाई करेंगे, एडी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। ओके, ए सी के स्क्वायर की वैल्यू बताइए क्या है, रूट टू ए का होल स्क्वायर। ठीक है, सी डी के स्क्वायर की वैल्यू, सी डी की वैल्यू बताइए क्या है, ए है। टोटल ध्यान से देखिए, तो टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी ए डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है आपकी, थ्री ए स्क्वायर। तो यहां पर आपके ए डी की वैल्यू कितनी हुई, ए डी इज इक्वल टू रूट थ्री ए, यहां पर आपकी ए डी की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, अब एडी की मेन वैल्यू क्या है वो भी तो देखनी है। तो जरा ध्यान से देखिए, यहां तक आर, ये आर यानी रेडियस है ना, ये आर और ये आर यानी फिर से फोर आर, यानी फोर आर इज इक्वल टू रूट थ्री ए। तो फिर से ए की वैल्यू कितनी आई बताइए, फोर आर बाय रूट थ्री, ए की वैल्यू आ गई आपकी फोर आर बाय रूट थ्री। फिर से ए की वैल्यू को इसी फॉर्मूले में पुट करेंगे, और जैसे ही आप इस फॉर्मूले में पुट करोगे तो आपका जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो आएगी आपकी, जरा देखिए बीसीसी में होता है टू इंटू फोर बाय थ्री पाई आर क्यूब। फोर बाय थ्री पाई आर क्यूब क्या है, टोटल लैटिस पॉइंट है, और टू यानी नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट इन बीसीसी, टिपिकल नहीं है, बहुत ईजी है, अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल का टोटल वॉल्यूम कितना है ए क्यूब, यानी ए क्यूब का मतलब फोर आर बाय रूट थ्री का होल क्यूब। और जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा रूट थ्री पाई बाय एट, जिसको आगे सॉल्व करने पे आपकी वैल्यू आएगी 0.68, यानी ईटा परसेंटेज में यानी पैकिंग एफिशिएंसी परसेंटेज में आएगी 68%। तो बीसीसी के लिए आपकी पैकिंग एफिशिएंसी होगी 68%, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का मतलब क्या है, आपका एक यूनिट सेल है जिसमें आपके लैटिस पॉइंट सिर्फ कॉर्नर्स पर प्रेजेंट है। कहां पर, कॉर्नर्स पे। अच्छा ध्यान से देखिए, दो कॉर्नर्स पर प्रेजेंट है, यानी अगर मैं इसको ए मानता हूं और इसको बी मानता हूं, तो क्या ए और बी ऐसे ही रहेंगे जुड़े हुए, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वही क्या होगा हमारा, ए के इक्वल होगा, ए यानी एज लेंथ, और ये आर आर, यहां से आपको साफ दिखाई दे रहा है कि जो एज लेंथ है हमारी वो टू आर के इक्वल होगी। ठीक है, तो एज लेंथ किसके इक्वल होगी, टू आर के इक्वल होगी। एज लेंथ टू आर के इक्वल हुई तो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होगा आपका, वॉल्यूम ऑफ टोटल लैटिस पॉइंट, यानी वॉल्यूम ऑफ टोटल लैटिस पॉइंट कितना होगा, 4 बाय 3 पाई आर क्यूब, 4 बाय 3 पाई आर क्यूब, क्यों, क्योंकि सिर्फ वन यूनिट सेल प्रेजेंट है यहां पे, वन लैटिस पॉइंट प्रेजेंट है। ठीक है, अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल यानी ए क्यूब, ए क्यूब यानी 2 आर का होल क्यूब। ठीक है, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा पाई बाय 6। पाई बाय 6 का मतलब आया आपका 0.52 पैकिंग एफिशिएंसी, यानी अगर मैं परसेंटेज में पूछूं पैकिंग एफिशिएंसी तो वो होगा मेरा 52%, यानी यहां पे भी मैंने पैकिंग एफिशिएंसी निकाल दी है सिंपल क्यूबिक की 52%। तो यहां से आपने एफसीसी की पैकिंग एफिशिएंसी देखी 74%, बीसीसी की देखी 68%, सिंपल क्यूबिक की देखी 52%। तो सबसे ज्यादा पैकिंग एफिशिएंसी किसकी थी, एफसीसी की, यानी सबसे एफिशिएंट, सबसे अच्छा सॉलिड कौन सा होगा, एफसीसी होगा। तो कभी भी आपको चूज करने के लिए बोलते हैं विच वन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट और हार्डर सॉलिड एज कंपेयर टू ईच अदर, तो एफसीसी जो है सबसे हार्ड रहेगा, फिर बीसीसी, और सबसे कम सिंपल क्यूबिक से। इसी के साथ आज के हमारे लेक्चर खत्म होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल रॉकिंग गुरु को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।